हेलो गाइस तो आज घर पे कोई आने वाला है और मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ जल्दी से मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और कोई स्पेशल है जब आएगा तो मैं आपसे मिलवाऊंगी बहुत स्पेशल है और तो अभी मैं जा रही हूँ प्रेस करने के लिए जो भी मैं कपड़े पहनने वाली हूँ उसके लिए तो आज मैं ये वाला कुर्ता पहनूँगी तो इसको मैं जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ तैयार होने के लिए तो बाय बाय बाद में मिलते हैं नहा लेती हूँ मैं जल्दी से तो मैं नहा के निकल आई और मैंने बाल वगैरह भी कर लिए हैं कंगी कर लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ हल्का फुल्का बस फाउंडेशन वगैरह ही लगाती हूँ तो आज जो भी आने वाला है एक यूट्यूबर है और आखिर मैं उस यूट्यूबर से कैसे मिली कहाँ मिली और ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगी और मैं उस यूट्यूबर को आखिर जानती कैसे हूँ और कैसे उससे कांटेक्ट हुआ ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ और मैंने पहने हैं ये झुमके ये वाले झुमके तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह और घर को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ क्योंकि कोई आए और घर गंदा सा पड़ा रहे और वो भी यूट्यूबर तो उसके लिए मैं कर रही हूँ ये मेरा फाउंटेन है और इसका थोड़ा सा ये पीछे से पाइप निकल गए थे तो मैंने पाइप लगाए और इसमें पानी भर के इसको अब चेक कर रही हूँ कि चल रहा है या नहीं क्योंकि पाइप निकले हुए थे तो ये चल नहीं रहा था और अभी इसमें ज़्यादा पानी भर देते थे, थे तो क्या था कि ये बहुत तेज़ क्योंकि मोटर इसका जो अच्छा है तो क्या होता था कि पानी ज़्यादा फेंकता था ये तो अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और देखो ये चल चुका है तो अगर आपका भी फाउंटेन प्रॉब्लम कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पानी फेंक रहा है तो वो रीज़न वही है कि बस उसमें पानी आप ज़्यादा कर रहे हो थोड़ा कम पानी करो तो वो अच्छे से चलेगा तो देखो मेरा फाउंटेन भी अब अच्छे से काम कर रहा है फिर मैं आ गई ये ड्राइंग रूम में तो मैं अभी इसको थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ और आज तो बहुत ज़्यादा खुशी है यूट्यूबर से मिलने की तो जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरे को बोले बोला एक दो गह, एक घंटा ही है बस हाँ एक घंटे में वो आने वाला है आने वाला है आने वाली है पता नहीं जो भी है आप लोगों के लिए थोड़ा सा सस्पेंस है जब वो आएगा यूट्यूबर तो मैं आप लोगों से ज़रूर पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगी हम लोग कैसे मिले कहाँ मिले और मैं उस यूट्यूबर को आखिर जानती कैसे हूँ ये सब भी मैं बताऊँगी आप लोगों को तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कुछ अच्छा अच्छा तो मैं सोच रही हूँ कि चीज़ बॉल्स बनाऊँ जो कि मैं पहले भी बना चुकी हूँ आज मैं सेकेंड टाइम बनाऊँगी तो स्पेशली अपने फ्रेंड के लिए तो मैं बनाने वाली हूँ चीज़ बॉल्स और ये मजरेला चीज़ वग़ैरह मैं सारा मैं लेने जा रही हूँ दूध क्योंकि चीज़ बॉल्स में पड़ेगा दूध और इसकी रेसिपी मैंने पूरी ये जो व्लॉग है इस पर शेयर नहीं करी है और आप लोगों को इसका वीडियो देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप उस पर जाके देख सकते हैं ये जो रेसिपी है ये कोलंबिया का स्ट्रीट फूड है ये इंडिया की रेसिपी नहीं है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं तो मैंने लिया है एक कप मैदा और एक कप ही मैं लूँगी ये मोजरेला चीज़ आप सिंपल वाला चीज़ ना लें आप मोजरेला चीज़ का यूज़ करें इसमें और इसमें आधा चम्मच लूँगी मैं सोडा वैसे आप अगर मेरी जो पूरी रेसिपी को इसी में भी पूरा देखोगे तो बना लोगे प्रॉपर देखनी हो तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं तो एक कप लूँगी मैं ये जो है मोजरेला चीज़ और एक कप ही लिया है मैंने मैदा और एक चुटकी नमक डालूंगी और दो चम्मच चीनी और सोडा आधा चम्मच सोडा और डालने के बाद में जो गुनगुना दूध कर लूँगी और उससे इस आटे को मलूँगी तो आटा जो लगाना है वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट लगाना है या ना टाइट जैसा कि आप पूरी का लगाते हैं ना उस तरीके का आटा लगा सकते हैं या फिर गुलाब जामुन का आटा लगाते हो उस तरीके का आटा लगा लेंगे तो उसका आटा मैंने मल के रख दिया है और अब मैं जल्दी से जा रही हूँ कुछ सब्जियाँ काटने क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं रेड सॉस पास्ता बनाऊँ क्योंकि व्हाइट सॉस तो मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ हाँ आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की है अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी तो ये मैं पत्ता गोभी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जियां और अगर ज़्यादा सब्जियां डालनी है ज़्यादा कट कर लें या कम आप जैसे भी कट करना चाहें तो मैं यहाँ पे कट कर रही ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च टमाटर और इसमें डालूँगी मैं स्वीट कॉर्न और प्याज़ प्याज़ डालूँगी लहसुन और बस यही सब थोड़ा सा धनिया पत्ती और मसाले में मैं यूज़ करने वाली हूँ जीरा पाउडर और ये जो है धनिया पाउडर अगर आपके पास मैगी मसाला है तो आप इन दोनों को स्किप करके मैगी मसाला, मैगी मसाला डाल दें वो भी सही अगर मैगी मसाला नहीं है तो आप धनिया पाउडर और वो जीरा पाउडर तो जल्दी से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बस टाइम हो चुका है और उसका कॉल आ सकता है बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि कॉल ना आ जाए तो अभी मैं जल्दी से शिमला मिर्च भी कट कर लेती हूँ बहुत जल्दी जल्दी किया क्योंकि कोई प्लान नहीं था मेरे को मिलने का जो भी आने वाला है उनसे अचानक से प्लान हो गया मिलने का और हेलो तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो भी मेहमान आने वाला है उसको पिक करने के लिए तो मैं और अभी दोनों लोग जा रहे हैं पिक करने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं पिक करने और आज मैं उस आपको नहीं मिलवा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि फिर मैं आपके साथ रेसिपी नहीं शेयर कर पाती अगर मैं मिलवा देती तो वो आ चुकी चुके हैं जो भी मेहमान हैं आपके लिए सस्पेंस है और अभी मैं ये मैंने इसके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ ये जो बना रही हूँ मैं रेड सॉस पास्ता तो मैंने तेल डाला है आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया जैसे ही लहसुन पक जाएगा इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी तो प्याज को मैंने ऐड कर दिया है और प्याज भी मेरी भुन चुकी है अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी तो ये मैंने एक प्याज ली थी और बड़ा नॉर्मल साइज़ थी ठीक है और उसमें ये मैंने दो टमाटर ऐड कर दिए हैं और इसमें नमक डाल के टमाटरों को ढक के रख दूंगी आप यहीं पे हरी मिर्च अभी ऐड कर दें क्योंकि मैं भूल गई थी तो मैंने फिर हरी मिर्च बाद में ऐड की तो और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाए तो टमाटर पक चुके हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर तो ये सब अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ और पूरा मसाला ऐड कर देती हूँ अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर ऑयल ना छोड़ दें तो टमाटर देखो अच्छे से पक चुके हैं अब जो मैंने सब्जियां काटी थी वो सब भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और आ, सारा मिक्स करके सब्जियों को तो ये मैंने डाला है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और ये स्वीट कॉर्न सारा ऐड करके ढक के रख देती हूँ और मैं बोल रही थी ना मैं हरी मिर्च डालना भूल गई हूँ तो अभी मैं हरी मिर्च भी कट करके इसमें ऐड कर देती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना अभी तीखा कम या ज़्यादा खाएं मैंने चार हरी मिर्ची डाली है इसमें और साथ में मैं जो भी मेरी जो भी यूट्यूबर आए हुए हैं उनसे मैं बात भी करती जा रही हूँ और मैं कुकिंग भी कर रही हूँ तो उनसे मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को कल और अब मैं इसमें ये रेड सॉस डाल दे रही हूँ मैंने ये देख सकते हैं रेड सॉस भी इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से पका लूँगी इतना मतलब इसको चलाते रहना है वरना ये जो सॉस होता है मीठा तो वो क्या होगा कि इसमें लगने लगेगा ठीक है तो चलाते रहना है और तब तक चलाना है कि वो अच्छे से पकना जाए सॉस और ये जो तले में लगने लगे ठीक है इसका मतलब कि पक चुका है तो मेरा तले में लगने लगा है और इसका मतलब ये पक चुका है और अब मैं इसमें धनिया पत्ती छोड़ दी थी और अब मैं इसमें पास्ता भी ऐड कर देती हूँ तो पास्ता ऐड करने के बाद सारा मिक्स करेंगे और दो मिनट तक और पकाएंगे बस पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और मैंने तो पूरा जो भी मैंने जो जो बनाया वो सब मैं कल ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि अभी मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है अगर मैं पूरा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ करूंगी कल शेयर जो भी फ्रेंड आए और आप लोगों से कल मैं मिलवाऊंगी उनको और अभी मैं ये तो बन चुका है पास्ता अभी मैं चीज़ बॉल्स बनाने जा रही हूँ तो चीज़ बॉल्स की रेसिपी तो मैंने आपको वैसे इसमें भी शेयर कर दी है अगर बिल्कुल ना समझ में आए अगर एक एक स्टेप देखना हो तो मैं आपके साथ लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो बस ये सब बनाया और जो भी आगे का है वो पार्ट टू में डालूँगी उसमें आप लोग देखना क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा और देखो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं ये चीज़ बॉल्स जो गैस है उसका फ्लेम जो है वो लो ही रखना है हाई नहीं करना है मीडियम क्योंकि मेरा ऑयल बहुत गर्म हो गया था तो देखो स्टार्टिंग के जो मैंने बॉल्स देखे हैं वो थोड़े से ज़्यादा डार्क हो गए हैं तो हल्के सा हल्का रेड सा कलर आ जाए बस उतना ही सीखना है कढ़ाई मेरी ज़्यादा हो गई थी लेकिन मैंने लो कर दी थी फ्लेम को फिर भी मेरा ज़्यादा हो गया तो बाय बाय अब वेट करिए यूट्यूबर से मिलने का मैं कल मिलवाती हूँ आपको